हेलो एवरीवन, मैं हूं वैष्णवी और आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूट्यूब कम्युनिटी टैब आपको कैसे यूज करना है। ओके, तो ये जो है ये बहुत सिंपल है, कुछ दिन पहले उसमें अपडेट्स भी हुए हैं। उसमें जो पोल का फीचर है वो आपको कैसे यूज करना है, तो आज के इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स देखेंगे यूट्यूब कम्युनिटी टैब के। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट्स और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे कम्युनिटी का टैब दिख रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे कम्युनिटी में देख सकते हैं इमेज, इमेज पोल, टेक्स्ट पोल, क्विज और वीडियो का ऑप्शन है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने सुना होगा अगर आपको कम्युनिटी टैब चाहिए तो आपको आपके चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट होनी चाहिए। बट यहाँ पे मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ पे कम्युनिटी टैब का ऑप्शन आया है। तो ये जो है ये नया अपडेट है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी कि आपको 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए या नहीं, मैं आपको सीधा दिखाऊंगी कि आपको 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए या नहीं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एम आई एलिजिबल फॉर द कम्युनिटी टैब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द कम्युनिटी टैब टू बी अवेलेबल यू मस्ट हैव 500 सब्सक्राइबर्स और इनेबल एक्सेस टू एडवांस फीचर्स ऑन योर चैनल। तो ये बता रहा है कि ये जो है यहाँ पे इनेबल एक्सेस टू एडवांस फीचर, तो अगर आपका एडवांस फीचर जो है वो वहां पे इनेबल है तो भी आप यहाँ पे कम्युनिटी टैब ले सकते हैं। अगर आपको एडवांस फीचर का जो ऑप्शन है वो पता नहीं है कहाँ पे है, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है ऑलरेडी, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहां पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इमेज पोल। ओके, तो इसमें मैं सिलेक्ट करूंगी, हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे जो है वो ऑप्शन यहाँ पे बताऊंगी कि आपको उसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ये जो इमेज का है इस पे क्लिक करूंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन आया है ड्रैग अप टू 5 इमेजेस और GIF। तो आप यहाँ पे GIF या इमेज जो रहेंगे वो 5 तक यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, और आप या तो फिर आप सिलेक्ट योर फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो आपने जो सेव किए हुए इमेजेस है या फोटोज है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सपोज ये जो इमेज है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये अपलोड हो गया है। उसके बाद अगर आपको और इमेज ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और अगर आपको इमेज को एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट प्रीव्यू पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन है राइट मैसेज, तो अगर आपको इस पे कुछ मैसेज लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी थ्रेड्स वी लाइक होल्ड माय प्रमोशन। ओके, तो ये काफी बढ़िया लग रहा है, देख सकते हैं आप। उसके बाद आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि आपको ये कब पोस्ट करना है, कौन से डेट पे पोस्ट करना है। ओके, स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इस तरह से आप इसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे ये जो इमेज पोल है ये ऑप्शन देखेंगे, तो इस पे मैं क्लिक करूंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज पोल में क्या कर सकते हैं। आप पोल मतलब यहाँ पे आप ऑप्शंस लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगी भारत की राजधानी कौन सी है। ओके, और यहाँ पे मैं जो इमेज है एक दिल्ली का पोस्ट करूंगी, एक मुंबई का पोस्ट करूंगी, और यहाँ पे ऑप्शन में लिखूंगी दिल्ली मुंबई, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज था वो दिल्ली का था, तो इसके सामने मैं दिल्ली लिख सकती हूँ, यहाँ पे मुंबई का इमेज रहेगा तो यहाँ पे मैं मुंबई लिख सकती हूँ। तो ये दोनों में से आपको जो जिसपे क्लिक करेंगे लोग तो वो वहां पे शो होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो इमेज पोल है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट पोल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट पोल में आप क्या लिख सकते हैं। सपोज तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ व्हाट वुड यू लाइक टू सी मोर ऑफ ऑन आवर चैनल। ओके, और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। ये क्वेश्चन होने के बाद यहाँ पे मैं ऑप्शंस लिखूंगी, तो ये ऑप्शन में लिखेंगे ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप दो ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपको और ऑप्शंस ऐड करने हैं आप यहाँ पे 4 ऑप्शंस तक ऐड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर ऑप्शन पे क्लिक करके
यहाँ पे आप ऑप्शन लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं तीन ऑप्शन रखूंगी। अगर आपको और ऑप्शन ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पोस्ट कर सकती हूँ, या तो फिर यहाँ पे जो ये थ्री डॉट्स दिख रहे हैं इस पे क्लिक करके इसको स्केड्यूल भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप आपका जो टेक्स्ट पोल है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्विज। तो ये क्विज पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ऐड करके आप यहाँ पे आपके जो आंसर्स है वो लिख सकते हैं। सपोज यस, मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू लाइक माई वीडियोज, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डू यू लाइक माई वीडियोज यस और नो ऑप्शन। तो यस को आपको क्लिक करके इट्स वैल्यूएबल फॉर अस आप करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है वीडियो, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई वीडियो है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे जो यूआरएल का ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई यूआरएल है किसी वीडियो का तो आप यहाँ पे उसको पेस्ट करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है योर यूट्यूब वीडियोज, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो यूट्यूब वीडियोज है वो यहाँ पे शो होंगे। तो अगर आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे, सपोज ये जो है इसको मैं सिलेक्ट करूंगी यहाँ से सिलेक्ट, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये कुछ इस तरह से शो होगा। उसके बाद आप यहाँ पे आपको जो अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ लिखना है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, ओके, उसके बाद यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं या तो फिर इसको स्केड्यूल पोस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आपका कम्युनिटी टैब यूज कर सकते हैं। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज है या आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आने वाले जो न्यू अपडेट रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।